बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैसल हाशमी और ये मेरा चैनल इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से। आज की इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा कि आप यूके का स्पाउस वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ सबके साथ को कैलकुलेट किया जाए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद यूके में है और बहुत सी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं वहाँ पर, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जो पाकिस्तान से शादी करके अपने साथ स्पाउस एज अ स्पाउस वीज़ा लोग लेके जाते हैं अपने ब्राइड को या ग्रूम को। तो इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहले तो नहीं था यूके में, आज से अगर आप चले जाएं लाइक 10 ईयर्स अगो चले जाएं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, यानी वहाँ पे ब्राइड या ग्रूम की के वहाँ पे आपकी अर्निंग शो करवानी पड़े तो आप शादी करते थे, आप स्टेट में ले जाते थे। लेकिन जैसा कि 10 साल पहले इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो है जी 18,600 जो पाउंड है वो आपने शो करवाने होते हैं कि आपकी अर्निंग है पर एनम के हिसाब से मिनिमम। और अगर आपका पाकिस्तान में कोई बच्चा हो जाता है लाइक बेटा है या बेटी, तो वो ये है कि अगर एक बच्चा होता है तो वो तकरीबन 22,000 समथिंग 500 के राउंड अबाउट आपको अर्निंग शो करवानी होती है। तो ये एक मेजर जो कंडीशन है, जो काफ़ी हर्डल आ रही है जो स्पाउस वीज़ा पे जो बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से जो स्पाउस जा रहा है वहाँ पे उसको सबसे पहले इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है आइल्स का। तो ये बड़ा बेसिक सा टेस्ट है, आपको जैसे बहुत बेसिक सी भी इंग्लिश आती है, जैसे लाइक बोल भी नहीं सही तरह सकते फिर भी हो जाता है, तो काफ़ी आसान है। और उसके अलावा अगर तो उसने यहाँ से कोई ऐसी डिग्री हासिल की हुई है जैसे लाइक इंग्लिश में, तो उस पर एग्जम्पशन मिल सकती है, वरना आइल्स करना पड़ता है। अच्छा, प्लस आपका वैलिड पासपोर्ट हो, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो, सारा टेस्टेड हो, फिर प्लस आपकी जो भी शादी का निकाहनामा है उसके मुताबिक जैसे लाइक पिक्चर्स हैं वो सब हो, और आपकी अगर जो आपको अगर स्पाउस वहाँ से आपको कोई लाइक खर्चा भेज रहा है, पॉकेट मनी भेज रहा है, एक्सपेंस भेज रहा है, उसके प्रूफ हों आपके पास, और प्लस अगर आपकी उससे जो भी कम्युनिकेशन है उसके प्रूफ होने चाहिए। और ऑब्वियसली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब हो जाते इकट्ठे तो ये आपने एम्बेसी में जमा करवाने होते हैं, और एम्बेसी में जो फीस है पाकिस्तानी आजकल के हिसाब से तो काफ़ी 2 से 2.5 लाख बन रही है, अगर क्योंकि पाउंड महंगा हुआ हुआ है। आप करंट जब भी आप करना चाहे उस करंट हिसाब से जो करेंसी रेट है वो आप वैल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, आपको वहाँ से स्पाउस से क्या क्या चाहिए होगा? देखिए, स्पाउस से आपको वहाँ पे उसकी अर्निंग प्रूफ, उसकी सैलरी स्लिप, उसके टैक्स रिटर्न्स, उसके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, उसका लाइक टेनेंट एग्रीमेंट अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का उसका जो भी ऑनरशिप के डॉक्यूमेंटेशन ये चाहिए होता है, और ऑब्वियसली उसके जो आपके साथ कम्युनिकेशन है वो भी वो आपसे शेयर करें, तो ये चीज़ें वो आपको भेजता है ये, और प्लस आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप एम्बेसी में जमा करवा देते हैं। तो यह है कि उसके बाद आप फीस पे करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि देखिए, इस सारे केस में देखने में तो मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है, लेकिन लोग मीट नहीं कर पाते, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सही तरह कर नहीं पाते, तो बाद लोगों के केसेस मैंने देखा है 7 साल 1.5 साल भी लटक जाते हैं और इवन दैन रिजेक्ट भी हो जाते हैं। अगर लाइक मिनिमम टाइम देखा जाए तो 3 माह से 4 माह के दरमियान आपका आ जाना चाहिए, और जो आप नॉर्मली आ जाता है वीज़ा आ जाता है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करते, कहीं पर लूप होल आ जाता है, तो किसी वीज़ा अफसर को ऑब्जेक्शन होती है तो लटक भी जाता है काफ़ी 7 से 1.5 साल। तो अब आप ये है कि अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करें तो वीज़ा जल्दी मिल जाता है। हाँ, इसमें ये है कि अगर आप कुछ पूछना चाहें आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस भी देख सकें। शुक्रिया।